हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पीवीआर स्टडी। चलिए आज हम आपके लिए बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन लाए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी तक आपने जितना भी क्वेश्चन पढ़ा था जीएस या साइंस का, वो क्वेश्चन ही हमेशा याद करते थे, वीडियो को देखते थे। लेकिन जो आज हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं वो ट्रिकी है। ट्रिकी का मतलब ये कि आपको बहुत जितने क्वेश्चन याद करने होंगे ट्रिक से याद करने होंगे। तो मैं आपको ज़्यादातर क्वेश्चन जो बताऊंगी वो ट्रिक से आप बताऊंगी, ताकि आपको याद करने में भी आसानी हो और पेपर में आप कभी भी भूलें ना, क्योंकि आपका पेपर बहुत ही नज़दीक आ रहा है और आपको याद करना भी बहुत ज़रूरी है। तो आपको मैं आपसे जीएस और साइंस पूरी कोशिश करूंगी कि आपको मैं ट्रिक से बताऊं, ताकि आप आसानी से याद कर सको। तो चलिए देख लेते हैं। जैसा कि अब हम जानते हैं कि हमारा क्वेश्चन है कि भारत के सात पड़ोसी देशों के नाम बताइए। तो फ्रेंड्स, भारत के सात पड़ोसी देश के कौन कौन से नाम है मैं आपको बता दूं। देखिए इसका ट्रिक क्या है। ट्रिक आपको इतना ध्यान देना है कि बचपन में एमबीए किया, अगर आप ये वर्ड याद रखते हो, ये वर्ड आप भूल भी नहीं सकते, बचपन में एमबीए किया। आप तो बात बात में भी बोल सकते हो बचपन में एमबीए किया। अगर आप फ्रेंड से बात कर रहे हो तो फ्रेंड से ही बोल दो भाई बचपन में एमबीए किए हैं। तो आपको ये चीज़ याद हो जाएगी कि इस क्वेश्चन से ये चीज़ होगा, ठीक है। तो इससे आपको पूरी तरीके से याद हो जाएगा। तो देखिए कैसे आप याद करोगे, जैसा कि बचपन में एमबीए किया, बा का मतलब होता है फ्रेंड्स बांग्लादेश, चा का मतलब होता है चीन, पा का मतलब होता है पाकिस्तान, ना का मतलब होता है नेपाल, मा का मतलब होता है म्यांमार, भा का मतलब होता है भूटान और आ का मतलब होता है अफगानिस्तान, है ना। तो जैसे कि बा यहाँ पे है बचपन में, पहला वर्ड बा तो बांग्लादेश, है ना। ओके सॉरी, तो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स बा से बांग्लादेश, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया है च्या, ठीक, च्या से चीन, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, है ना। इस तरीके से आगे भी देख लेते हैं, माँ का क्या हो जाएगा म्यांमार, ठीक है, म्यांमार। और एमबीए का मतलब माँ, ठीक है। तो माँ से क्या होगा फ्रेंड्स, माँ से म्यांमार हो गया। बा का क्या होगा, एमबीए का मतलब बी, बा का भूटान और ए अफगानिस्तान। तो आपको ये चीज़ आसानी से याद हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये चीज़ कन्फर्म हो जाएगा, जो ये दिया है वो लाइन से देश के नाम है ना, तो ये भी याद हो जाएगा। दो चीज़ें आपको याद होगी कि लाइन से दिया हुआ है सारा चीज़, और दूसरी चीज़ जो सात पड़ोसी के देशों के नाम है वो तो याद हो ही जाएगा। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं बचपन में एमबीए किया, ठीक। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि उन राज्यों के नाम जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है या जाती है, ठीक है। फ्रेंड्स हमें उन राज्यों के नाम बताना है जिनसे होकर कर्क रेखा हमारी जाती है, ठीक है। तो कर्क रेखा मित्र पर गमछा छार, आपको इतना याद रखना है कि मित्र पर गमछा छार। ये ट्रिक अगर आप याद रखते हो तो आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा कि कौन कौन सी ऐसी राज्य है जो कर्क रेखा से होकर गुजरती है, ठीक है। मित्र का मतलब, माँ का मतलब हो गया मिजोरम, ठीक। अब देखिए त्रा का क्या हो सकता है, त्रिपुरा, ठीक है। ता का मतलब फ्रेंड्स हो जाएगा त्रिपुरा, ठीक है। उसके बाद पा का क्या होगा, पश्चिम बंगाल, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे दिया है ना, पाका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अब यहाँ पे क्या आता है रा का क्या होगा फ्रेंड्स, देख लेते हैं। रा का हो जाएगा राजस्थान, है ना, राजस्थान। उसके बाद क्या है, मित्र पर खत्म हो गया। अब गमछा पे आते हैं, ठीक है। गमछा है तो गामाछा, देखिए गामाछा का मतलब क्या होगा, गा का मतलब गुजरात, ठीक है, और माँ का मतलब मध्य प्रदेश, छा का मतलब छत्तीसगढ़ और छा का मतलब झारखंड, ठीक है। फिर झारखंड होता है, लेकिन वो इस वजह से मतलब बना दिया गया ताकि आपको याद करने में आसानी हो, ठीक है। वो झारखंड नहीं है, झारखंड है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। तो मित्र पर गमछा छार, छा से छत्तीसगढ़, ठीक है। तो याद हो जाएगा फ्रेंड्स, मित्र पर गमछा छार। क्वेश्चन क्या है, उन राज्यों के नाम जो कर्क रेखा से होकर गुजरती है। चलिए आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन साइंस पे आते हैं फ्रेंड्स। क्या है कुछ जीवाणुओं के द्वारा होने वाले रोग, जीवाणुओं से कौन कौन से रोग होते हैं फ्रेंड्स, चलिए आइए देख लेते हैं। जीवाणुओं से होने वाले रोग हैं, इनका ट्रिक आपको याद करना है, टीकू सिटी में बनी पटाखा, ठीक है। ये ट्रिक तो बहुत मजेदार है फ्रेंड्स, आप भूल ही नहीं सकते। टीकू सिटी में बनी पटाखा, इसका क्या मतलब होगा, चलिए देख लेते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि अगर आप किसी के सामने ये ट्रिक बोल दो कि फ्रेंड्स टीकू सिटी में बनी पटाखा, तो लोग सोचते ही रह जाएंगे इसका मतलब क्या होगा। चलिए आइए देखते हैं। तो टीकू का मतलब देख लीजिए बहुत आसानी से है, टी का मतलब टिटनेस,
या टीबी क्षय रोग भी होता है इससे, ठीक है। टिटनेस, कू का मतलब फ्रेंड्स कुष्ठ रोग, ठीक है। सीडी, सी का मतलब सिफिलिस, ठीक है। आगे देख लेते हैं, ड का मतलब डिप्थीरिया, ठीक है। तो क्या क्या हो चुका आपका, टिकू सीडी खत्म हो गया, मे बनी पटाखा, ठीक है। मे का मतलब देख लीजिए क्या होता है, मे का मतलब मेनिनजाइटिस, बनी है ना। तो बा का मतलब क्या होगा, बॉट यूजलिज्म, ठीक है। जो भोजन विषाक्तता के मतलब जब ये रोग हो जाता है तो हमें भोजन को मतलब भूख नहीं लगती है एंड उसके साथ साथ मतलब कि हमारे मतलब काफी पेट में इफेक्ट पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद बनी, न का मतलब यहाँ पे निमोनिया है ना, और हा का मतलब हैजा, ठीक है। अब बात आती है, बनी है पटाखा है ना, पा का मतलब प्लेग रोग, ठीक है, और टा का मतलब फ्रेंड्स टाइफाइड, और का का मतलब काली खांसी है ना। तो ये इतने हो गए, तो आपको बहुत आसानी से याद हो गया होगा फ्रेंड्स। टिकू सीडी में बनी पटाखा मतलब टिटनेस, कुष्ठ रोग, सिफिलिश, डिप्थीरिया और मेनिनजाइटिस, ठीक है, बॉट यूज्म एंड निमोनिया, हैजा, प्लेग एंड टाइफाइड, काली खांसी, ठीक है। इस तरीके से थर्ड क्वेश्चन आपको याद हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, अनुवांशिक रोगों को आसानी से याद करने का तरीका। जैसा कि अनुवांशिक रोग कौन कौन से होते हैं, क्या है इसका ट्रिक, वही क्लिप वही डॉट, बस इतना याद कर लीजिएगा, वही क्लिप वही डॉट, ठीक है। इतना आप याद कर लेते हैं तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। वही का मतलब चलिए देख लेते हैं, वह का मतलब फ्रेंड्स वर्णांता, ठीक है। वर्णांतक रोग क्या होता है बता दूं, वर्णांतक रोग वो रोग होते हैं जिनको आंखों से रेड कलर और ग्रीन कलर की पहचान करनी नहीं आती, और इन रोगजनक मतलब कि मानव को रेलवे में कभी भी नौकरी नहीं मिल सकती। अगर उनको वर्णांतक की मतलब कि रोगजनक है वो, तो उन्हें रेलवे में नौकरी कभी भी नहीं मिल सकती है, उन्हें रेलवे लाइन में कभी भी नहीं रखा जाएगा, ठीक है। क्योंकि उसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो यही चीज है, रेड और ग्रीन कलर, ठीक है। चलिए देखते हैं, हीमोफीलिया मतलब कि वही, वह तो खत्म हो गया, ही आता है हमारा, ही का मतलब हीमोफीलिया, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा क्लिप, क्ली का मतलब होगा क्लीन ए फिल्टर, ओके। और पा का मतलब पटाऊ सिंड्रोम, ठीक है, ये रोग का नाम है, बहुत ही खतरनाक रोग होता है, ओके। उसके बाद वही डॉट, वही का मतलब देख लेते हैं, यहाँ पे वही साइलेंट रहेगा, डॉट डाउन सिंड्रोम, ठीक है। और टा का मतलब टर्नर सिंड्रोम, ये जो है वो सिंड्रोम ही है, और ये अलग अलग रोग होते हैं और बहुत ही खतरनाक रोग होते हैं, ठीक है। तो वही क्लिप वही डॉट मतलब कि अनुवांशिक से होने वाले रोग, ये जेनेटिक रोग होते हैं, ठीक है। जेनेटिक रोग, जब यहाँ पे जेनेटिक की बात आई है तो कुछ चर्चा कर लेते हैं फ्रेंड। जेनेटिक पे भी आपको बता दे रहे हैं कि जेनेटिक क्या होता है, अनुवांशिक, और इसके फादर्स कौन है, गेगर्स और मेंडल, जो मटर के पौधों पर इसका रिसर्च किए थे, ठीक है, इसका रिसर्च किए थे। तो उन्हें पता चला था, इसका बहुत बड़ा प्रोसेस है मैं आपको बताऊंगी, तो उन्होंने तीन नियम मतलब कि बताया था, एक था प्रवाहिता का नियम, दूसरा था पृथक्करण का नियम, और तीसरा था स्वतंत्र अव्यवहन का नियम। तो इन्होंने तीन नियम बताए थे, ओके फ्रेंड्स। तो इसके बारे में भी कभी चर्चा करा जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी चैप्टर है और बहुत ही मजेदार भी है, ठीक है, इसको बहुत अच्छे समझिएगा, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है और साथ में क्वेश्चन तो आते ही है फ्रेंड्स, ओके। तो इस तरीके से आपको फोर ट्रिक बताया गया जो बहुत ही आसानी से याद हो गए। आगे हम बताएंगे आपको और भी ट्रिक, और पूरी हमारी कोशिश रहेगी फ्रेंड्स कि आपको हम ट्रिक से ही पढ़ाएंगे ताकि आपको याद करने में बहुत ही आसानी रहे, ओके फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे फिर मिलते हैं हम।